नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुपरस्टार शाहिद कपूर की मच अवेटेड फिल्म कबीर सिंह के फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही या हो चुकी है फ्लॉप। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। दोस्तों, 2019 की वन ऑफ द मोस्ट मच अवेटेड फिल्म कबीर सिंह फाइनली बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस फिल्म को डायरेक्ट किया है संदीप वेंगा ने। वही इस फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में है सुपरस्टार शाहिद कपूर और उनका साथ दे रही है कियारा आडवाणी। आपको बता दें दोस्तों, फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ 5 में से 4 स्टार मिले हैं, यानी फिल्म पूरी तरह से क्रिटिक्स को पसंद आ चुकी है। वही दोस्तों, अगर बात करें पब्लिक रिव्यूज़ के बारे में, तो दोस्तों फिल्म को पब्लिक की तरफ से भी डबल थम्स अप मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पब्लिक रिव्यूज में जितने भी लोग इस फिल्म को देख के आए, सभी लोग इस फिल्म की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, और कुछ लोगों का तो कहना है कि यह फिल्म 2012 की आई फिल्म आशिकी 2 से भी कई गुना बेटर है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें फिल्म में इमोशन काफी बढ़िया बताए गए हैं, साथ ही साथ फिल्म की लव स्टोरी अब तक की बेस्ट लव स्टोरी बताई जा रही है बॉलीवुड में। आपको बता दो दोस्तों, यह फिल्म 2017 की आई तेलुगु ब्लॉकबस्टर फिल्म अर्जुन रेड्डी का ऑफिशियल रीमेक है। अब दोस्तों बात करें फिल्म के बजट के बारे में, तो आपको बता दें दोस्तों फिल्म का एक्चुअल बजट यानी प्रोडक्शन कॉस्ट है 45 करोड़ रुपए, वही मार्केटिंग कॉस्ट है 10 करोड़। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का टोटल बजट हो जाता है वो हो चुका है 55 करोड़ रुपए। वही दोस्तों बात करें फिल्म के प्री रिलीज बिजनेस के बारे में, तो दोस्तों फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने के पहले ही अपना बजट लगभग 50% रिकवर कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें फिल्म के जो सैटेलाइट राइट है वो बिक चुके हैं 22 करोड़ रुपए में, वही फिल्म के डिजिटल राइट बिके हैं 9 करोड़ रुपए में। इसी के साथ दोस्तों फिल्म ने रिलीज होने से पहले 31 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली है। वही दोस्तों अगर बात करें फिल्म के रिलीजिंग के बारे में, तो फिल्म को इंडिया में लगभग 2700 स्क्रीन में रिलीज किया गया है। वही दोस्तों इस फिल्म को ओवरसीज मार्केट में मिली है लगभग 450 स्क्रीन, यानी कि फिल्म वर्ल्ड वाइड मार्केट में 3000 स्क्रीन से भी ज्यादा में रिलीज हुई है। अब दोस्तों बात करें फिल्म के फर्स्ट डे ऑक्यूपेंसी के बारे में, तो फिल्म को मॉर्निंग वाले शोज में ऑक्यूपेंसी मिली है लगभग 65% की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये फिल्म को इस साल की दूसरी सबसे बड़ी ऑक्यूपेंसी मिली है मॉर्निंग वाले शोज में। इससे पहले सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंसी मिली थी सलमान खान की फिल्म भारत को, और भारत के बाद कबीर सिंह ऐसी दूसरी फिल्म है जिसे इतनी अच्छी ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग वाले शोज में मिली है। वही दोस्तों बात करें 12 बजे शो वाले की, तो 12 बजे वाले शोज में भी इस फिल्म की टिकटें काफ़ी ज़्यादा एडवांस बुकिंग हो चुकी थी, जिसकी वजह से फिल्म को 12 वाले शो में भी लगभग 65 से 70% तक की ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है। वही बात करें दोस्तों नाइट और इवनिंग वाले शोज की, तो नाइट वाले शोज में और इवनिंग वाले शोज में ये फिल्म लगभग हाउसफुल हो चुकी है। तो दोस्तों जो अभी तक की रिपोर्ट निकल के आई है उसके मुताबिक ये फिल्म अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर रही है। वही फिल्म का ग्रोस कलेक्शन इंडिया में पहले दिन हो रहा है 21 करोड़ रुपये। वही अगर बात करें फिल्म के ओवरसीज कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों कबीर सिंह फिल्म अपने पहले दिन ओवरसीज मार्केट में कमा रही है लगभग 4 करोड़ 50 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन हो जाता है फर्स्ट डे का, वो हो रहा है 25 करोड़ रुपए। अब आपको बता दो दोस्तों, फिल्म का बजट जहां 55 करोड़ रुपए है, तो फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट, सुपर हिट और फ्लॉप होने के लिए कितनी कमाई करना होगी। तो दोस्तों सबसे पहले बता दो, फिल्म अगर बजट से कम यानी 55 करोड़ रुपए से कम की कमाई करती है तो यह फिल्म हो जाएगी फ्लॉप। वही दोस्तों फिल्म को हिट होने के लिए इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 75 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन करना होगा। वही दोस्तों फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट होना है, तो फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाने होंगे 115 करोड़ रुपए, और अगर फिल्म को ब्लॉकबस्टर होना है तो फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने के लिए कमाने होंगे 145 करोड़ से 150 करोड़ रुपए। अब दोस्तों फिल्म को जिस तरह से पहले दिन का रिस्पॉन्स मिला है और जिस तरह से फिल्म ने पहले दिन कमाई की है, उसे देखते हुए लग रहा है कि यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर नेट कलेक्शन कम से कम 100 करोड़ का तो आसानी से पार कर लेगी। लेकिन दोस्तों दिलचस्प देखना यह होगा कि क्या यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ या 200 करोड़ की कमाई कर पाती है या नहीं। वैसे दोस्तों अगर आप यह फिल्म देख के आए, तो यह फिल्म आपको कैसी लगी,
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर सकती है, 100 करोड़, 150 करोड़ या 200 करोड़। अपनी राय कमेंट करना ना भूलें, और कबीर सिंह फिल्म के डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की डेली अपडेट के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। धन्यवाद।